हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस दिस इज रमीज फैकल्टी अभिमन्यू आयस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द फाइनल वीक ऑफ द मंथ सितंबर सितंबर 2020 का फाइनल वीक दैट इज द फोर्थ वीक की जो भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू पंजाब वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोथ फ्रॉम द एज वेल इज मेन्न पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली पंजाब पी के लिए बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट्स हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं कि आज कौन से कौन से डेवलपमेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं और जो कि हुए हैं इस वीक पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से जो है वो एक टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से दो साइंस एंड टेक्स से एक और सोशल इशूज से एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हैज टेकन प्लेस इन पास्ट वीक या फाइनल वीक ऑफ द मंथ सेप्टेम्बर तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर जो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेन्स में इसका कोई काम नहीं है पर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पर्सन इन न्यूज़ या फिर कल्चर सेक्शन स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा जा सकता है या फिर पर्सन इन न्यूज़ और भी जो सर्विसज हैं या और भी जो एग्जामिशन होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे अलाइड सर्विस पंजाब पटवारी वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं तो चलिए देखते हैं मैराथन रनर फौजा सिंह मेक्स इट टू चिल्ड्रन्स बुक अब ये फौजा सिंह कौन है अब फौजा सिंह इसकी मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ड्यूरिंग इस चाइल्ड हुड ड्यूरिंग इस चाइल्ड हुड ये कमज़ोर थे और ये दौड़ नहीं पाते थे तो इस वजह से पीपल यूज टू मेक बुली ऑफ हेम लेकिन 81 वन ईयर्स एटी वन जब इनका होता है तब ये फिर मैराथन या रनिंग करना स्टार्ट करते हैं और 101 जब इनकी उम्र 101 साल होती है तब ये मैराथन मैराथन में फर्स्ट होते हैं और फिर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम भी जाता है ठीक है तो इसी शख्सियत के नाम पर एक सुपर हीरो की कॉमिक्स लिखी गई हैं और उन पे इनको वहाँ पे इनको सुपर हीरो बनाया गया है और किसने ये बुक किया है द बुक फौजा सिंह किप्स गोइंग ऑथर्ड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह वॉज़ रिलीज लास्ट मंथ ठीक है तो ये जो रनर थे फौजा सिंह इनको ही सुपर हीरो बनाया गया है वहाँ पे और यही उस कॉमिक के फ्रंट रनर है सुपर हीरो है तो इसके लिए ये चर्चित हैं और ग्रेनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है तो फिर ये पंजाब की एग्जामिनेशन जो भी होती हैं पी सी एस एग्जामिशन्स खास करके पंजाब एलाइड फिर या फिर पंजाब पटवारी जो भी एग्जामिनेशन होती हैं वहाँ पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्ट है मीन में इसका कोई काम नहीं है ठीक है मूविंग ऑन टूवर्स दैक्स टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी इन गवर्नेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली पंजाब पी सी एस और प्रलम्स और मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए गवर्नेस सेक्शन से अगर हम बात करें पॉलिटी इन गवर्नेंस सेक्शन से क्योंकि पंजाब की जो कैबिनेट है तो स्टेट विजिलेंस कमीशन को स्टार्ट करने की या उसे संगठित करने की कैबिनेट ने नोट दे दी है कि यस स्टेट्स विजिलेंस कमीशन वुड बी सेटअप और यह बिल पास कर कर दिया गया है और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है अभी जो विजिलेंस कमीशन होगा व्हाट वुड बी दी नॉमिन क्लेचर ऑफ इट इनका क्या स्ट्रक्चर होगा इनकी क्या फंक्शनिंग होगी इनके क्या क्या पावर्स होंगे क्योंकि पंजाब के अंदर आज भी करप्शन से रिलेटेड जो सिविल सर्विसेंट पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनसे रिलेटेड या फिर उनके करप्शन से रिलेटेड प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट जो भी है वहाँ पे जो बॉडी फंक्शन कर रही थी आज तक वो कर रही थी पंजाब विजिलेंस कमीशन पंजाब विजिलेंस कमीशन जो है या पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वो ये सारी चीजें देख देख करती थी ही वॉज दी दैट इंस्टीट्यूशन वॉज वॉच डॉग ऑफ द करप्शन केसिस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स इन पंजाब बट अब से अब से जो है वो स्टेट विजिलेंस कमीशन बनेगी अब इन सब के ऊपर जो भी पंजाब आ, विजिलेंस ब्यूरो थी या फिर पंजाब पुलिस है जो भी हैं इन सब के ऊपर स्टेट विजिलेंस कमीशन आएगी और इनकी सुप्रीमेसी इन सबसे ऊपर होगी जो कि पहले पंजाब विजिलेंस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के ब्यूरो की वो पावर्स थी अब स्टेट विजिलेंस कमीशन को वो पावर्स मिलेंगी एंड दिस्ट टू पंजाब विजिलेंस ब्यूरो एंड द पुलिस विल फंक्शन बिनीथ दिस इंस्टीट्यूशन ठीक है अब ये जो स्टेट विजिलेंस कमीशन बनेगी इसे हेड कौन करेगा इसे हेड करेंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाईकोर्ट इसके जो चेयरमैन होंगे थ्री मेंबर बॉडी होंगी ये ठीक है एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट वन आई ऑफिसर अब वो कौन से आई ऑफिसर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं Headed by a retired high court judge and have commissioners. Commissioners commissioners including an IS officer who has held the post of chief secretary or additional chief secretary of a state government and a senior IPS officer who have held the post of DGP or Director General of Police, or additional director general of police. इनकी जो क्राइटेरिया थ्री मेंबर बॉडी हेडेड बाय चेयरमैन कौन होंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और दो साथ में जो कमिश्नर्स होंगे वो एक आई होंगे और एक आई होंगे उनकी क्राइटेरिया ये दी हुई है अब इनकी जो पावर्स होंगी मैंने आपको पहले बताया कि द एग्जिस्टिंग पंजाब पंजाब ब्यूरो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और और भी जितने पुलिस डिपार्टमेंट हैं दैट विल फंक्शन बिनीथ दिस इंस्टीट्यूशन स्टेट विजिलेंस कमीशन के बिनीत फंक्शन करेगी ठीक है अब ये जो लोग होंगे जो मेंबर्स होंगे उनको चुनेगा कौन उनको सेलेक्ट करने के लिए भी एक कमेटी बनेगी और वो रिकमेंडेशन देंगे और वो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे द कमेटी वुड बी चेयर्ड बाय द सीएम चीफ मिनिस्टर विद द विधानसभा स्पीकर एंड द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स एज इट्स मेंबर्स चीफ मिनिस्टर चेयरड याद रखिएगा चेयर बाय द कमेटी द कमेटी हु वुड बी सेलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट विजिलेंस कमीशन

अब इनको पावर्स किसके तहत मिलेंगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये तो आपको पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ठीक है हाउ एवर देर इज एट प्रेजेंट नो सच बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अभी ऐसा कोई बॉडी नहीं है मैंने आपको बताया था विजिलेंस ब्यूरो पंजाब वो काम करती थी ठीक है उनका भी काम यही था वो भी यही करती थी प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट उसके तहत यह और कंस्टिट्यूशन बनाई गई थी और वहीं से पावर्स भी मिले थे इन ऑर्डर टू डील विद्शन केसेज रिलेटेड टू दब्लिक सर्व विद इन दिन दैरिफे ऑफ पंजाब लेकिन अब स्टेट विजिलेंस कमीशन होगा तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और ये स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है ये बहुत पहले प्रपोज किया गया था 2006 के अंदर 2006 के अंदर भी प्रपोज किया गया था, पर ड्यू टू द प्लान कुड नॉट वर्क आउट बट अब ये हो रहा है अब कैबिनेट ने इसको नॉट दे दी है ठीक है एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक आपको विजिलेंस ब्यूरो के बारे में भी जानना है क्या फंक्शनिंग है जो पी डी एफ़ है यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि विजिलेंस ब्यूरो क्या है कैसे काम करती हैं किसके तहत काम करती हैं और इनके मेन फंक्शन्स क्या हैं ठीक है वो आपको पी डी एफ के अंदर मिल जाएगी और पी डी एफ़ डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले भी बताया था मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आपको पी डी एफ़ चाहिए जो भी करंट अफेयर्स के वीकली लेक्चर्स आ रहे हैं उनके पी डी एफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई लिंक दी हुई है आप उस लिंक को विजिट करें आप हमारे पेज पर पे आ जाएंगे पेज पर पे अपने आप को रजिस्टर करें रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ से पी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर पी डाउनलोड पी का सेक्शन है ठीक है फिर से मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर जाएँ वहाँ पर लिंक दी हुई है लिंक को क्लिक करें हमारे पेज पे आ जाएंगे आप पेज पे आने के बाद अपने आप को रजिस्टर करें और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल पंजाब सर्विस पंजाब सर्विस कमीशन कांट इवॉल्व ऑन सिलेक्शन मेथड रूल्स हाई कोर्ट अब ये क्या है डेवलपमेंट व्हाट दिस डेवलपमेंट अभी डेवलपमेंट ये है कि एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था पंजाब सर्विस कमीशन के तहत पंजाब सर्विस कमीशन कंडक्टेड एग्जामिनेशन कुछ साल पहले डेट इज वो एग्जामिनेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन थी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड प्रोटेक्शन की एग्जामिनेशन थी और उस एग्जामिनेशंस को इस पंजाब सर्विस कमीशन ने जो उसकी मोडलिटीज हैं जो उसके रूल्स हैं वो अपने हिसाब से उन लोगों ने मोल्ड कर दिया तो पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उन्होंने ये फैसला दिया कि दैक रीड दैट इज सर्विस कमीशन कान चेंज द रूल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है इट इज कंस्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 320, ट्वेंटी क्लास वन द कंस्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामशन और उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए रूल्स भी बनाई गई हैं और उसी रूल्स के तहत आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है यू कैंट मोल्ड दैट रूल फॉर योर कंडस आप अपने हिसाब से जो एग्जामिनेशन के रूल है पैटर्न है उसे चेंज नहीं कर सकते आप बिकॉज इट इज रिटन इन द कंस्टिट्यूशन इट इज टोटली कंस्टिट्यूशनल कुछ भी अगर आपने करना है कंस्टिट्यूशन के में अगर आप कंस्टिट्यूशन के जो रूल है एग्जाम कंडक्ट कराने के वहां पर अगर आपने चेंजिंग करनी है तो उससे पहले अमेंडमेंट किया जाता है मिना अमेंडमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है एंड देट टू बाई देंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होंगी अगर कुछ स्टेट के मैटर से रिलेटेड है तो स्टेट की हाफ ऑफ द स्टेट की रजामंदी भी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए तो हाईकोर्ट ने यही बोला पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट ने दी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट एंड विसास्ट दैट द दमीशंस द स्टेट कमीशंस कांट चेंज द रूल्स या कांट मोल्ड द रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशनस कंड्यूसिवनेस फॉर कंडक्टिंग द एग्जामेशन रिलेटेड टू एनी स्टेट सर्विस कमीशन ठीक है क्योंकि ये एक अगर आप ऐसा करते हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि अंडर आर्टिकल 320 सारे रूल्स है कि आपने कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है ठीक है और उस रूल को यू कांट यू कांट मोल्ड इट ठीक है अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते तो ये कोर्ट ने रूल किया था तो यहां पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट सर्विस कमीशन के क्या पावर्स हैं अंडर विच आर्टिकल प्रल्लेम्स में डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जा सकता है और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पूरा नॉमल पूछा जा सकता है क्योंकि तो करंट में चल रही है इशूज तो ये क्वेश्चन डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन सामने आपके आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको यही पूछ लिया जाएगा ऐसा नहीं है अब इट इज़ अ बर्निंग टॉपिक ठीक है तो करंट अफेयर्स से डिराइव करके क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाएंगे और आपको पूछा जा सकता है इट इज टर्निंग आउट टिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामी पंजाब ऑन टूवर्ड्स देखिये पीडीएफ के अंदर मैंने बताया आपको आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है थ्री ट्वेंटी के अंदर डायरेक्ट ये जो यहाँ पे आपको आर्टिकल थ्री ट्वेंटी के जो भी क्लॉजेस दिख रहे हैं प्रोविजन दिख रहे हैं ये मैंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो प्रावधान है वो डायरेक्टली मैंने वहीं से वहीं से पिक करके आपको सामने दिया है तो जो भी फंक्शंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स हैं वो सारे यहां पे मेंशन है तो हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट एंड विश आज दिस कैंड मोल द रूल अकॉर्डिंग टू योर कंड ठीक है मूविंग ऑन टूवर्ड दर्टिकल एंड दैट इज फ्रॉम दोशल इशू सेक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लिस्ट फाइव रूल्स टू कव चाइल्ड मैरिज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देंस पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पास स्पेशली रिलेटेड टू वेमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड मैरिज ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए ठीक है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक है डेटास पूछ, पूछा जा सकता है ये कौन से स्टेट में कहाँ पर कितने कौन चाइल्ड मैरिज में कौन है क्या है नहीं है यूनाइटेड नेशन की डेटा इंडिया के बारे में क्या है यूनिसेफ का डेटा इंडिया के बारे में क्या है चाइल्ड मैरिज को लेकर ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जब तक आपके पास डेटा है ये कंटेंट है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटेंट सब्सटैंसिएशन आप एक आंसर लिख रहे हो या फिर आप एसेज लिख रहे हो तो वहाँ पे अगर आपके पास ये सारे डेटाज हैं रिलेटेड टू वमेन ठीक है या चाइल्ड मैरिज हो गया या पॉलीगेमी हो गया ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये डेटा आपको प्यास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन डेटा को ही अगर आप अपने आंसर में जब कोट करोगे तभी आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होगी एंड यू विल बी एबल टू फेच फैच हैंडसम मार्क्स सॉरी मार्क्स ठीक है तो अब ये टॉपिक क्यों आ गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच नए रूल्स बताए इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं अगर आपको चाइल्ड मैरिज कम करना है तो क्योंकि कोर्ट के निगरानी में बहुत सारे केसेस चाइल्ड मैरिज के आ गए पंजाब के अंदर और स्पेशली जो रिलीजियस प्लेसेस इन्वॉल्व हैं जहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन की जाती हैं वहां से ये पता चला है कि चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं तो कोर्ट ने स्ट्रक किया कि आपको ये पाँच रूल्स हैं हम अभी वो रूल्स देखेंगे ये रूल्स को आपने फॉलो करना है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर आप चाइल्ड मैरिज को वाकई में रिली वॉन्ट टू कर्व द मिनस ऑफ दिस चाइल्ड मैरिज यू विल हैव टू फॉलो दिस फाइव इंस्ट्रक्शन गिवन या डेकलीट बाई ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वो कौन से कौन से थे कौन से कौन से टू प्रिवेंट द माइनर्स फ्रॉम टाइंग द नॉट क्या दिया

ट रेगुलर इंटरवल्स है वहां पर क्या क्या केसेस चाइल्ड मैरिज कितने सारे चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं या है या नहीं है या कौन है कितने उम्र की शादियां हो रही हैं ठीक है वंस द डायरेक्शन आर इन प्लेस द सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द कपल फोटोग्राफ विल स्ट्रिक्टली कैरी दिस्क्रिप्शन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एस आधार कार्ड वोटर्स आई डी मेट्रिकुलशन सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ये सारी चीजें मैंडेटरी है ठीक है ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं जब शादियां होंगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ और उसके साथ ये सारे डिस्क्रिप्शन ये सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ होने चाहिए ठीक है द डायरेक्शन केव आफ्टर जस्टिस अरविंद सिंह संगवान वाइल टेकिंग अप अ प्रोटेक्शन मैटर फाइल्ड बाय अ रन अवे कपल टू कॉग्निजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेसेज होल्डिंग चाइल्ड मैरिजेस विदाउट मेंटेनिंग रिकॉर्ड रिलीजियस प्लेस में शादियां हो रही हैं और वहां पर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है किसी भी धर्म के अंदर शादियाँ होती हैं या सिख रिलीजन के अंदर हो या फिर इस्लामिक रिलीजन के अंदर हो या और भी कोई रिलीजन के अंदर रिलीजियस प्लेसेस में जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ठीक है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अगर तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस में शादियाँ हो रही हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सही से मेनटेन नहीं किया जा रहा है और नहीं मेंटेन किया जा रहा है जिसके वजह से जो चाइल्ड मैरिजेज हो रही हैं उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा और चाइल्ड मैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और रिकॉर्ड भी नहीं है तो इस तरह से हम चाइल्ड मैरिज को कम नहीं कर सकते इसको और बढ़ावा दे रहे हैं ये बढ़ रहा है ये कम नहीं हो रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ़ दैट कि हमारे देश में इसके लिए कानून भी है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड और ये कानून है कि लड़की की उम्र अठारह साल और लड़के का उम्र इक्कीस साल कम से कम होना चाहिए शादी के लिए हम देखेंगे विल सी टू दैट ठीक है और इसकी हम एक प्रॉपर एनालिसिस लेंगे कि कौन से स्टेट में क्या हो रहा है इंटरनेशनल एंगल क्या है और हमारे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं या हमारे डेटास क्या कहते हैं ठीक है तो ये सारे अब चाइल्ड मैरिज के बारे में चाइल्ड मैरिज अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं अब चाइल्ड मैरिज जब होती हैं तो उनका इंपैक्ट क्या है डिलेज डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइल्ड मैरेज कंटीव लार्ज फैमिली एंड इंटर्न पॉपुलेशन ग्रोथ यस कम उम्र में शादियाँ हो जाती है लड़की की और लड़की की और उनको प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की समझ नहीं होती बहुत कम उम्र में डे टर्न आउटम मदर्स ठीक है कम उम्र में शादी हो जाती है बच्चे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक पेट्रियारकल एंगल अगर हम देखें तो एक प्रिजेंट ऑफ पेट्रीय एक प्रेजन ऑफ पेट्रेर की है हमारी सोसाइटी पेट्रियारकल है ये हम जानते हैं और जब कम उम्र में शादी होती है तो वो लड़की उस प्रिजन में पटियाारकी के प्रिजन में फंस जाती है कम उम्र में शादी हो जाती है बच्चे हो जाते हैं पढ़ाई छूट जाती है घर के कामों में लग जाती है और उसके बाद फिर कम कम उम्र में या 24-25 साल जाते जाते दो तीन बच्चे हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है फैमिली प्लानिंग की सोच समझ नहीं होती ना ही लड़के को है ना ही लड़की को है बिकॉज़ दे आर अगर देखा जाए तो दे आर माइनर्स सूझबूझ नहीं है और जब समझ आती है तो देखती है कि हाँ ये तो बहुत लेट हो चुका है अब तो मैं दो तीन बच्चों की माँ बन चुकी हूँ अब मैं क्या करूँ ठीक है उसके बाद वो प्रिजन में फंस के रह जाती है उसके साथ फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते तो दे गॉट स्ट्रक इन द प्रिजन ऑफ पटिया के और वहाँ अटक के रह जाती हैं कानून है हमारे देश में वीमेन से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता द रियलिटी एट द ग्राउंड लेवल एट द ग्रास रूट लेवल या ग्राउंड लेवल रियलिटी अलग ही है बिल्कुल अलग और आप रूरल एरियाज़ में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है लड़की टेंथ ट्वेल्थ तक पढ़ ली है तो बहुत पढ़ लिया जल्दी से इसके स्कूल छुड़ाओ इसकी शादी कराओ और माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूरल एरियाज़ में अगर देखी जाए तो मैक्सिमम लोगों की यही होती है कि जल्दी से लड़की की शादी करनी है उनके कंधों पे बोझ है लड़की है घर पे तो ये मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी की ठीक <laughs> है डेमोग्राफिक डिविटेड एज पर रिपोर्ट विद एवरी चाइल्ड द वर्ल्ड दर्ल्ड अ फ्यूचर टीचर डॉक्टर साइंटिस्ट एंड ऑन्ट्रप्रोलिटिकल लीडर एक्जैक्टली एंड दिस इज वेरी सर्टन जैसे कि मैंने आपको बताया कम उम्र में शादी फिर बच्चे उसकी जो ड्रीम है वो होप है वो खत्म हो जाती है और इससे प्रोडक्टिविटी को रिसोर्सेज का नुकसान होता है ठीक है ये जो भी डेटाज आपको यहां पे मिल रहे हैं ये पी के अंदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटाज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है ये डेटाज आपके पास है आपको इसे आंसर में कोट करना है तभी आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होगी और आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा यू विल बी एबल टू फच हैंड सम मार्क ठीक है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द वर्ल्ड बैंक एंड द मैरिज and the international center for research and women child marriage will cost developing countries trillions of dollars by 2030 ठीक है ये सारे हैं इसके रैमिफिकेशंस ये सारे जो भी हैं ये एंगल्स हैं, इंपैक्ट क्या हो रहा है किस तरह से सोसाइटी को इकॉनमी को पॉलिटी को डेवलपमेंट हर तरह से ठीक है अब हमारे देश में जो कानून है ठीक है अब इंडिया के कुछ स्टैट्स है वो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स इंडिया थ्री टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन दर्ल्ड एंड दैट दिस इज रियली अ वेरी ह्यूज ह्यूज नंबर परसेंटेज एंड इट्स अ इट्स अ बिग इशू टू वरी अबाउट बहुत बड़ी समस्या ये अकेला एक कंट्री पे थर्टी थ्री परसेंट पूरे वर्ल्ड का चाइल्ड मैरिज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है एंड इट्स अ बिग थिंग टू वरी अबाउट Especially the person who is sitting on the governance. Okay. UNICEF estimates that 27% of girls, that is nearly 1.5 million girls, get married before they turn 18. And this is better than 47% a decade ago. In 2018, a UN report said that there has been a significant drop in Indian girls being forced into marriage. Some data from a report prepared by Young Lives. India along with National Commission for Protection of Child Rights, the report is based on the comparative data analysis in child marriage from the third and the fourth rounds of National Family Health Survey. ठीक है? अब कुछ states के बारे में देख लेता हूँ। मुरसिदाबाद, इंडियन बिंगोल, मुरसिदाबाद, इंडियन बिंगोल has the maximum prevalence rate of 39.9% followed by गांधीनगर इन गुजरात। तो वेस्ट बिंगोल मुरसिदाबाद एक district है वेस्ट बिंगोल के अंदर, वहाँ पे फिर गांधीनगर इन गुजरात और भिलवारा इन राजस्थान यहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज है चाइल्ड मैरे के एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ठीक है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कौन से स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट दोनों परसेंटेज ध्यान पर रखिएगा परसेंटेज वाइज एग्रीगेट परसेंटेज वाइज बिहार इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई प्रिवेलेंस डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज के अंदर कौन बिहार मोर देन वन आउट ऑफ फोर टीन एज गर्ल्स इन द फिफ्टीन टू नाइनटीन एज ग्रुप बिकम मदरस इन इंडिया स्टेट्स लाइक गोवा मेघालय मिजोराम हैव द हाइस्ट प्रवेंस ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी अमंग गर्ल्स मैरिड अर्ली जैसे कि मैंने आपको बताया रूरल एरियाज में ये सारी चीज़ें होती हैं रूरल एरियाज़ में लड़की की लड़के की शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं लड़की की खास करके चौदह साल पंद्रह साल सोलह साल में शादियाँ हो जाती हैं अठारह उन्नीस जाते जाते हैं दट टू बिकम मदर्स पच्चीस पच्चीस तक जाते जाते चौबीस पच्चीस जाते जाते दे हैविंग टू थ्री चाइल्ड विद ठीक है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया अब इंडिया में लॉ जो है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 2016 में इसमें कुछ देखिए मेन जो बेसिक है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसके तहत ही बोला गया कि 18 इयर्स लड़कियों का और 21 साल लड़कों का शादी के लिए डिफाइन किया गया ठीक है लेकिन अगर आप देखो वीमेन की अगर हम बात करें तो टाउरी से रिलेटेड भी रोल रू, रूल रू है चाइल्ड मैरिज से भी रू, रिलेटेड रूल है डोमेस्टिक वायलेंस से भी रिलेटेड रूल है सब कुछ है रूल है लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है बहुत कम बहुत कम तो कानून तो है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है दैट इज़ वाई द लॉ इज़ नॉट गेटिंग एनफोर्स होलिस्टिकली चीज़ें कम हो रही हैं अब जैसे की अगर मैं बात करूँ अब जैसे ये लॉकडाउन चल रहा था छः महीने से स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च तो ये लॉकडाउन के अंदर ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए ये हु की भी रिपोर्ट कह रही है ये इंडिया के भी रिपोर्ट्स कह रहे हैं एनसीआरबी की भी रिपोर्ट कह रही है कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए सारे लोग घर पे हैं ठीक है Frustated है, इकोनॉमिकली सबकी कंडीशन तराई तराई हो चुकी है ठीक है तो वो जो उसके अंदर गुस्सा है वो कहां पे निकाले घर पे निकालते हैं एज यूजल मर्द जो होते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी सिर्फ पेट्रियारकल नहीं बोलेंगे कुछ कुछ लोग तो ऑर्थोडॉक्सली पेट्रियल है बहुत ज्यादा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ गए पैसे नहीं है उनके पास कमाई नहीं हो रही है शराब पी रहे हैं और घर पे आके बीवी पे गुस्सा निकाल रहे हैं दिस इज हाईली इमोरल हाईली इमोरल लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये रिपोर्ट बता रही है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के, के केसेस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा चाइल्ड के, के केसेस बढ़ गए ठीक है चाइल्ड मैरिज की बढ़ गए केसेस लड़कियों की शादी इस लॉकडाउन में बहुत चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं

अमृतसर से है वो एक इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड एक एग्जामिनेशन होता है इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड उस पे जो टॉप करते हैं उनको ही नासा फिर भेजा जाता है एक ट्रिप के लिए जो टॉप करते हैं उस एग्जामिनेशन में स्पेस रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड ठीक है वहाँ पे लड़, इस लड़की ने टॉप किया पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसके बाद वर्ल्ड के भी और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों ने सारे कंट्रीज़ के लोग मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं उनमें दिस गर्ल हैज हेजॉप द एग्ज़ामिनेशन इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड की जो एग्जामिनेशन होती है हिस्सा से इज फ्राम अमृतसर और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रलिंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है या और भी कोई एग्ज़ाम है पटवारी है लाइट सर्विसेज में और भी कोई एग्जाम पंजाब प्रिंसिपल है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको ये ध्यान पर रखना है अब ये इंटरनेशनल स्पेस ओलम्पियाड इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये इंटरनेशनल स्पेस ओलम्पियाड इज एन इंटरनेशनल क्विज कॉम्पिटिशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स फिफ्थ टू ट्वेल्थ अलग अलग ग्रेड है एग्जाम किया जाता है हर साल होता है ये ठीक है कौन से कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड फाइव टू टिफ्थ टू ट्वेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड लेवल्स इंटरनेशनल स्पेस ओलंपियाड इज डिजाइन टू हैव थ्री कंपेलिंग फेजेस ऑफ कम्पिटन तीन में होता है द टॉपर परफॉर्म्स ऑफ ईच कैटेगरी गेट सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ कॉम्पिशन तीन स्टेज होती हैं पहला दूसरा तीसरा पास फर्स्ट पास किया सेकंड में गया सेकंड पास किया तीसरा में गया ठीक है अब कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है फिफ्थ टू सेवंथ एट्थ टू टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ और ये जो हिस्सा है ये मेट्रिकुलेशन पे है क्लास टेंथ और क्लास टेंथ एट टू टेंथ वाले कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है और इनको नासा के लिए एक ट्रिप मिला है तो दिस इज ऑल वी गॉड फ्रॉम द टुडे सेशन आज के सेशन में यही सारा चीज़ है जो हमने डिस्कस किया है ध्यान पर रखिएगा कि प्रिलम्स और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो आर्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो मैंने गवर्नेंस सेक्शन से और सोशल इश्यूज वाले सेक्शन से जो चीजें बताई हैं वेरी इंपॉर्टेंट